स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इन प्रीवियस क्लास वी स्टडीड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्यूब सिलेंडर एटसेट्रा। नाउ इन दिस क्लास वी स्टडी द फर्स्ट इज क्यूबॉइड। दिस फिगर इज अ क्यूबॉइड। इन दिस फिगर द एल दैट इज द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, एच इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड एंड बी इज द ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। नाउ इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड आर एल बी एच रिस्पेक्टिवली देन फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। नाउ सेकेंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया द सिक्स सरफेस इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। नाउ थर्ड फॉर्मूला इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। नाउ सेकेंड इज क्यूब, सेकेंड इज क्यूब इज द फिगर ऑफ क्यूब, एल बी द लेंथ ऑफ द क्यूब दैट इज द एज ऑफ द क्यूब इज एल। नाउ द फर्स्ट फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। सेकेंड इज वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओनली वर्टिकल पार्ट, द वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4L स्क्वायर। एंड थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। नाउ थर्ड इज सिलेंडर, दिस इज अ फिगर ऑफ सिलेंडर। इन दिस फिगर आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। नाउ द फॉर्मूला ऑफ द सिलेंडर्स आर फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ओनली कर्व पार्ट दैट इज इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। नाउ सेकेंड इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, द कर्व पार्ट एंड बोथ सर्कुलर पार्ट इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एंड नाउ थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। नाउ टू स्टडी द प्रैक्टिस सेट 9.1 प्रॉब्लम्स, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वर्टिकल फेसेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। नाउ सॉल्यूशन हियर एल इज 20 सेंटीमीटर, B is 12 cm and H is 10 cm. Now the formula of the vertical faces is area of vertical faces. The area of vertical faces of the box is equal to 2 in bracket L plus B into H. Now put the value of L, B and H in this formula. Then 2 in bracket L 20 plus B 12 plus multiplied by h 10. Now 2 in bracket 20 plus 12 32 multiplied by 10. Now by solving this step this is 640 centimeter square. Now next is the to find the total surface area of box. Now the total surface area of box is equal to 2 in bracket l into b plus b into h plus h into l. It's a formula. Now put the value of L, B and H in this formula. Then 2 in bracket 20 multiplied by 12 plus 12 multiplied by 10 plus 10 into 20. Now 2 in bracket 20 into 12 240, 12 into 10 120 and 10 into 20 200. Now addition of 240, 120 and 200 is 560. Then 2 multiplied by 560 is equal to 1120 centimeter square. Now
In this practice set 9.1, third problem is the side of the cube is 4.5 cm. Find the surface area of the vertical faces and the total surface area of the cube. Now here length, that is the L is equal to 4.5 cm is given. Now the area of vertical faces of cube is 4L square, it's a formula. Now put the value of L in this formula, that is the 4 into (4.5)(2). Now 4 into 20.25. Now by solving this step, 81 cm square. Now the total surface area of cube is 6L square. Then also same thing, put the value of L, that is the 6 into (4.5)(2). Now 6 into 20.25. By solving this step, then multiplication is 121.50 cm square. Now the total, the surface area of the vertical faces is 81 cm square and total surface area of the cube is 121.50 cm square.